बरेली में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान चल रहा है, जहां सुबह से लाइन लगी हुई है हमारे, और उसी वोट डालने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बरेली के सांसद संतोष कुमार गंगवार जी भी आए हैं, वोट डाल के आए हैं। अभी बात करते हैं आपसे, अभी आप वोट डाल के आए, क्या कहना है, किस तरह की वोटिंग? हमारा मानना यह है कि लोगों को लोकतंत्रीय प्रक्रिया में विश्वास करना चाहिए, मतदान अवश्य करना चाहिए। इससे वास्तव में एक प्रदेश क्षेत्र के विकास को दिशा और गति मिलती है, और नगर निकाय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर जिस ढंग से काम चल रहा है, और प्रदेश और केंद्र की सरकार इस चिंता में है कि हम मजबूती के साथ आगे बढ़ें और विकास को दिशा और गति देने का काम करें। क्या लग रहा है इस बार कैसा जीतोगी जो नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी? मुझे लगता है कि सभी नगर निकायों में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बरेली में किससे मुकाबला समझ रहे हैं? बरेली में मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी 2 दिन पहले वापस कर लिया। समाजवादी पार्टी जिनको समर्थन कर रही निर्दलीय, क्या लग रहा है वो फाइट में है कहीं नहीं? मुझे लगता नहीं कि अभी तो मतदाता तय करेगा फाइट में है या नहीं है, पर हम बहुमत से जीतेंगे, हमारा भरोसा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में जो चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, उसमें उनकी भी जीत होगी और बीजेपी को इसमें। अब वो हर नेता अपना दावा रखता है, पर इसमें दिक्कत क्या है, 13 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा। धन्यवाद। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के सांसद संतोष कुमार गंगवार। इनका कहना है कि 13 तारीख को परिणाम आ जाएगा और जो भी नतीजे आएंगे सबके सामने होंगे। कैमरामैन संजीव यादव के साथ नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।